क्या भाई? ए, तुम पुलिस वाले हो ना, टाइम पर नहीं पहुंच सकते हो क्या? ए, दोस्त के लिए ड्यूटी छोड़ के आया हूँ, तू मेरी टेंशन मत बढ़ा। कहाँ है तेरी आइटम? वेटेंसी। वो दीवानी है, वो मस्तानी है, तू अपनी आंखों से देख लेना। अच्छा, बाकी लोग क्या नाक से देखते हैं? अरे नहीं यार, आज मैं खुद उससे पहली बार मिलने वाला हूँ, इसलिए टेंशन में हूँ। पहली बार मिलने वाला है? यस, एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक पर ही देखा है उसे। अपना फोटो तो नहीं डाला ना? पागल है क्या? मैं उसे कंटिन्यू मैसेज कर रहा था और उसका रिप्लाई आ गया। टुडे आई गो ऑन अ डेट। अरे एलियंस लोग व्हाट्सएप पे शादी करके, फेसबुक पे बच्चे पैदा करके, अमेज़न पे बच्चों को बेच देते हैं। इट्स ऑल अपडेट। अपडेट अपडेट बोल के तू एक दिन हैंग होने वाला है। अच्छा चल, ये बता क्यों बुलाया? बस थोड़ी सी सेफ्टी के लिए। ए, कितनी मेहनत से मैं पुलिस में भर्ती हुआ हूँ और मैं तेरे जैसे चूहे बिल्ली का स्क्वाड बनूं? तेरी आइटम कब आएगी? मैं उसे मिस्ड कॉल छोड़ छोड़ के दे रहा हूँ, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है। यार मिस्ड कॉल तो छोड़ छोड़ के क्यों दे रहा है, सही से देना चाहिए ना। अरे बाप रे, मेरी बॉस का कॉल है। मैडम। हेलो गणा, किधर हो तुम? मैं सिटी मॉल में हूँ। ऐसा क्या? हाय गणा। यही है मेरी वाली। ए, वो हाँ। वो साइबर क्राइम ऑफिसर है। ऑफिसर यही है। मुझे पहले ही शक था। चल चल, क्यों रे, टॉर्च लाइट पर हाथ डालने की औकात नहीं है? ट्रांसफार्मर में हाथ डाल रहा है क्या? बोल रहा है फ्रेंड फ्रेंड, सुनो जरा इसकी खातिरदारी करो। अरे तेरी तो सिर्फ शर्ट उतार रही है, मेरी तो पैंट उतारी थी। ए, तुझ पर तू मेरा फ्रेंड है इसलिए FIR नहीं लिख रहा हूँ, चल जा। मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट गायब हुई इस घटना को आज पूरे 2 साल हो गए हैं। उसमें सवार 239 यात्रियों के रिश्तेदार आज तक आंखों में आंसू लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। इसके बारे में आगे की जानकारी देंगे। इसी तरह एक प्लेन दुर्घटना में तुम्हें खोया जेम्स। क्या गणा, डर लग रहे हो? क्या मैडम, बहुत से सपने लेके मैंने साइबर क्राइम ज्वाइन किया था और यहाँ काम जीरो है। डेली आता हूँ, नाइट शो की तरह पिक्चर देखता हूँ, चला जाता हूँ, बस इतना ही। कम ऑन मैडम, ऐसे मत बुलाओ, मैं अच्छे परिवार का लड़का हूँ। जा रे। ये अभी नया डिपार्टमेंट है, ये डेस्क जॉब है, ये ऐसे ही रहेगा। ये स्मॉल जॉब है बट बहुत स्मार्ट जॉब है यार। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, साइबर क्राइम? हाँ बोलिए, आपका नाम? मेरा नाम शिव गुरुनाथ है। हाँ ठीक है। मेरा ATM कार्ड गुम हो गया है सर, और कोई उससे लगातार पैसे निकाल रहा है, वो उसका मिसयूज कर रहा है सर। अच्छा ये बात है, अलर्ट कब आया? अलर्ट अभी आया है सर। बैंक में आपने इन्फॉर्म किया क्या? अपने ATM कार्ड के डिटेल्स दीजिए। ATM कार्ड का नंबर है सर 0403446419032312। ओके, आपके आधार कार्ड का डिटेल बताइए। आपके राशन कार्ड का डिटेल्स भी मांगेंगे। ठीक है सर, आप अपना कंप्लेन नंबर ले लीजिए 420। क्या 420? आप इसको 420 भी बोल सकते हैं, 420 भी बोल सकते हैं। जल्दी अपडेट कीजिए सर। ओके सर। क्यों गणा, काम आ गया ना? हाँ मैडम, वो बता रहा था कि कोई इसका ATM कार्ड मिसयूज कर रहा है। मुझे लगता है उसकी वाइफ ही मिसयूज कर रही होगी, क्योंकि पतियों के ATM कार्ड बीवियां ही मिसयूज कर सकती हैं। बट मैंने उसकी पूरी डिटेल नोट कर लिया है मैडम, मैं काम शुरू करता हूँ। हाँ हेलो मैडम, आपने पिकअप करने के लिए जो मैसेज भेजा था वो मैंने अभी देखा, सॉरी मैं 10 मिनट में आता हूँ। दीदी नहाने गई हैं, आएंगी तो बता दूंगी। नहा रही हैं? अरे रॉन्ग। अब वीणा की तरह हंस रही हो। ओ अगर मैं झूठ बोलूँगा तो भी हंसेंगी? फिर 10 मिनट तो लेट होगा, 5 मिनट में ही पहुँचता हूँ। वैसे हमारी स्टेला स्पेशल है। क्या? मतलब कॉफ़ी मिलेगी ना, आ रहा हूँ। अच्छा गणा, वो कार्ड मिसयूज केस का क्या हुआ? हाँ मैडम, वो कार्ड आखिरी बार सिटी मॉल में स्वाइप हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ के CCTV कैमरा में उस आदमी का चेहरा भी रिकॉर्ड हुआ है। पार्किंग लॉट में जब वो अपनी टू व्हीलर निकाल रहा था तो हमने उसका नंबर भी कैप्चर कर लिया है।
और उसी के जरिए ट्रेस करके हमने उसके घर का पूरा पता भी निकाल लिया है, और अगर हो सका तो लेट नाइट तक उसको उठा लेंगे। ए, लेट नाइट को तो सब सो जाते हैं। मैडम सोना नहीं है, उठाना है। बढ़िया ये ऑफिसर। क्या? नहीं मैडम, मैंने कहा अच्छा ऑफिसर। हाय मेरी गुड़िया। हाय मम्मी। हेलो अंकल। हेलो। हाय स्टेफी। कितनी बार कहा है मुझे माँ कहकर बुलाया करो। सॉरी मम्मी, पता है गणपति अंकल मुझे मामा बुलाने नहीं देते, कहते हैं अंकल कह के बुलाओ। स्टेफी अभी FIR देना जरूरी है क्या? ये बच्ची कब वाट लगाएगी पता ही नहीं चलता। बच्चों को बच्चे की तरह ही रहना चाहिए। ओके मैडम। मुझे लगा था आपकी दीदी से मुझे डांट पड़ने वाली है। आपके हाथों से एक कॉफी मिलेगी क्या? वो सब तो ठीक है। स्टेफी तुम्हें मामा कहकर क्यों नहीं बुला सकती? वो मामा वाले रिलेशन में कुछ मजा नहीं आता, लेकिन अगर अंकल कहके बुलाएगी तो इसमें बहुत सारे एंगल हो जाते हैं। वैसे वो चाहे तो मुझे माँ से भी बुला सकती है। अच्छा दीदी को बताती हूँ। वैसे आपकी आंखों को देख के लगता है कि आप दीदी को नहीं बताने वाली हैं। किची किची रकम पास आईना, एक प्यारी प्यारी चुम्मी दे देना सारा जहां। गणा, बाहर क्या कर रहे हो? टायर में पेट्रोल नहीं है, मैं चेक कर रहा हूँ मैडम। वही तो आपका दोस्त आपको याद कर रहा है। कौन याद कर रहा है? वही वो 9 नंबर। 9 नंबर? अरे आपने ऐसे ही सेव किया है। इडियट, तू ही बात कर। हेलो, नंद कुमार जी से बात करनी है। स्मार्ट मुर्गेशन बात कर रहा हूँ। ओ, स्मार्ट मुर्गेशन बोल रहे हो क्या? पास में जो बेवकूफ बैठा जरा उसको फोन दो। हेलो, कौन है आप? गुस्सा मत कीजिए बॉस, पास में नंद कुमार होंगे, उन्हें फोन दीजिए। सर मैं बॉस नहीं हूँ, मेरे बॉस वो हैं। मैं तो 8वीं फेल हूँ। हाँ वो पता चल रहा है, उनको जरा फोन देंगे क्या? मेरी तरह वो क्लियरली बात नहीं कर रहा है, आप ही बात कीजिए। हेलो सर। नमस्ते सर, मेरा नाम गणपति है, सिटी मॉल से बात कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते आपने मेरी दुकान से सेलफोन परचेज किया था, उसमें आपके नाम का लकी ड्रॉ निकला है सर। हमारी दुकान का एक रिसोर्ट से टाई अप है सर, आपके लिए फ्री स्टे अलर्ट हुआ है सर। फ्री स्टे? कहाँ, कितने दिनों के लिए? फिलहाल तो 3 दिनों के लिए है सर, आप चाहे तो 6 दिन भी हो सकता है। आप एड्रेस नोट कर लीजिए। हाँ बोलिए। ओके ओके, कल आता हूँ। आइए आइए, आराम से आइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। घर पे बता के आइएगा तो आपके घर वाले भी निश्चिंत रहेंगे। आप बस आ जाइए। फ्री स्टे सुना तो दौड़ के आने वाला है। मैडम हो गया अपना काम, हो गया, जाल बिछा दिया है, मछली जाल में फंसी जाएगी। ओके गुड जॉब। थैंक यू। हाय, आई एम नंद कुमार। यस सर। कैन आई सी मिस्टर गणपति? 2 मिनट सर, वेट करना होगा। ओके सर, आपसे मिलने मिस्टर नंद कुमार आए हैं। ओके सर। ओके ओके। आप ही मिस्टर नंद कुमार हैं? हाँ, मैं ही मिस्टर मुर्गेशन हूँ। ओह ओके। सर के साथ मैं हमेशा रहता हूँ, इस ऑफर में मुझे कुछ मिलेगा क्या? एक्चुअली ये ऑफर इनके लिए है, लेकिन आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको भी मैं अंदर डाल देता हूँ, दोनों को एक ही रूम में। सर हम लोग कहाँ स्टे करेंगे, ऊटी या कोडाईकनाल? अभी बारिश का सीजन चल रहा है तो थोड़ी मुश्किल है, मतलब डाटा या आर्थर रोड पे। नहीं नहीं, मतलब उसके आसपास जो रिसोर्ट है। सर आप आइए, आप बैठिए बैठिए, सिर्फ इनको बुलाया। उम्मीद है कोई अच्छी जगह ले जाए। ये सो रही है, सोच रही है। मैम नंद कुमार सिट। मिस्टर नंद कुमार, आप क्या बिजनेस करते हैं? शेयर मार्केट, रियल एस्टेट। उसके साथ थोड़ा फ्रॉड भी करते होंगे। ए, कैसी बात कर रही हो? आप जो कार्ड स्वाइप कर रहे हैं वो आपका नहीं है, ये मैं कह रही हूँ। शहर में कई महीनों से जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं वो आप कर रहे हैं, ये मैं कह रही हूँ। ए, बहुत लंबी जमाना है, किससे बात कर रही हो पता है? तुझे पता है कि तू किससे बात कर रहा है? साइबर क्राइम ऑफिसर हेलन से। मेरी जबान भी चलती है और मेरा हाथ भी। जो कुछ भी कहना था वो उन्होंने कह दिया, अभी जो कुछ भी करना है वो मैं करूंगा।
अरे देख के चला कीजिए ना, दिल्ली की भैंसे की तरह मुझसे टकरा गए। ओए बुड्ढे, तुम अपने आप को जवान समझते हो? देखो भाई, कौन बुड्ढा है कौन जवान है इससे कोई मतलब नहीं। तुमने मुझे गाली दी, तुम मुझे कोई भी गाली दे दो, लेकिन तुमने मुझे दिल्ली का भैंसा गाली क्यों दी? मैं वही गाली दूंगा तो। ऐसी बात है, तुम्हारी सारी गालियां मैं फेसबुक में डालकर तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। तेरे फेसबुक में डालने से पहले मैंने ट्विटर में डाल दिया है। ट्वीट कर दिया? हां कर दिया। इतनी जल्दी? हां तो भाई, आप तो मेरे गुरुदेव हैं। वो तो हूं, समझा ना। क्या? वही। ओ, वो तो है ही। हाँ, और क्या? वो भी हो रहा है। हेलो, आई एम पंजाबी केशन हियर। हाँ? सर एक मिनट यहाँ पर देखिए। देखो, ओह माय गॉड। मैडम। हाँ मैडम, जरा इसे देखिए। क्या गणा, क्या हुआ? ये वेबसाइट, जितने लोग जितनी जल्दी लॉगिन करेंगे, ये इंसान उतनी जल्दी ये पब्लिकेशन मौत के करीब जाएगा। ये बेकार का इंसान को अलविदा कहने के लिए जल्दी आओ। मैडम, मुझे लगता है कि इस इंसान को स्ट्रेचर से बांध के रखा गया। जुमिन, और लगता है इसके शरीर में कोई ट्रिप्स जैसा चढ़ा रहे हैं। वीवर्स का लॉगिन जितना बढ़ रहा है, उतना ही तेज ट्रिप्स रेट भी बढ़ता जा रहा है। मैडम, ओह माय गॉड, आई थिंक इट्स, यस मैडम, मुझे लगता है इस वेबसाइट का ना इस ट्रिप से कुछ संबंध है। मैम, ये शुगर पेशेंट है क्या? इन्हें तो डायबिटीज है, और एक लिमिट से ज्यादा देंगे तो इनकी जान को भी बहुत खतरा हो सकता है। How cruel! मैडम, मैं इस वेबसाइट को ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। हाँ। पहले आईपी एड्रेस निकालूंगा। दिनेश, मैं भी ट्राई करता हूँ। I'll also try. हाँ।
दिनेश आईपी एड्रेस को मास्क करके रखा है, इधर देखो। मैंने भी ट्राई किया सर, लेकिन आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं हो पा रहा है। अरे कहाँ लेकर चल रही हो, फोन जेब में रखो। यस मैम। यस सर। यस सर। सर हम लोग भी वही देख रहे हैं सर। सर आई एम सॉरी सर, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू सर। सर मैं उधर आने के लिए, आई वॉज अबाउट टू कम देयर। यस सर। या ये क्या कर रहे हो, अब तक सर्वर ट्रेस नहीं कर पाए। सर मैंने इनको ही ट्रेस करने के लिए कहा था, लेकिन ये सर एक्चुअली वो सर एक्चुअली एसपी पहले ही हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं, हम लोगों ने भी बहुत ट्राई किया लेकिन सर्वर को ट्रैक नहीं कर पाए सर। आप ये क्या कहानी बता रही हो, मेले में सोना चोरी हो गया और हम चार लोग बैठकर उसे ढूंढ रहे हैं, एक सर्वर ट्रेस नहीं हो रहा तो तुम्हारी साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में क्या जरूरत है। एक्चुअली सर वो एक रशियन सर्विस है। तो अब मुझे रशियन सीखनी होगी। सर एक्चुअली किसी सर्वर को ट्रेस करना बहुत इजी है, नॉर्मली हम लोग जो प्रोसीजर करते हैं उस सर्वर का वेबसाइट कहाँ लॉन्च हुआ ये देखने के लिए उसका आईपी एड्रेस ढूंढते हैं सर। उसके बाद iplocation.net वेबसाइट है, उसमें आईपी एड्रेस टाइप करेंगे तो वो किस लोकेशन से लॉन्च हुआ है इजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर। उसके बाद हम उस लोकेशन में जाके उस इंसान को नॉर्मली ट्रेस कर सकते हैं। नॉर्मली केसेस में ऐसा ही होता है, लेकिन ये केस थोड़ा डिफिकल्ट है सर। एक्चुअली इसमें आईपी एड्रेस को मास्क करके रखा हुआ है, मास्क करने के लिए VPN यूज किया है। VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इस केस को पूरी दुनिया में 8 से 10 ऑपरेटर ही हैंडल करते हैं सर। मुझे लगता है इस नेटवर्क को रशिया से ऑपरेट करते हैं एक VPN के बिना। ये ऑथोरेशन से नेटवर्क चलता है, इसकी वजह से कोई भी डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं सर। हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर उसे जल्दी ट्रेस कर लें और पकड़ लें। Have you finished? Look, ये टेक्निकल स्टोरी सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पहले उनको बचाने का रास्ता निकालो और फिर कल्प्रेट को ट्रेस करने का। You can go. Yes, sir. आप बैठिए। मिस्टर शिव कुमार, अभी जो फंसा है उसका नाम पंजाबी केशन, वो एक प्राइवेट कंपनी में GM है। उनकी फैमिली ने कंप्लेंट किया है, वो डायरेक्टली मीडिया और प्रेस के साथ कांटेक्ट कर लेंगे तो ये मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर दुनिया भर में सब लोग लॉगिन करना शुरू करेंगे। उन्हें किसी भी तरह बचाने का रास्ता ढूंढो। Go and meet them. Get them on our side. Hurry up. सर इसे ज्यादा लोग ना देख सके इसलिए पूरे शहर के इंटरनेट को ऑफ कर दें क्या सर? आपको क्या लग रहा है, ये कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम है क्या? इस रोड से मत जाओ, उस रोड से जाओ, बीच में बैरिकेड लगा दो। सर पूरी दुनिया में इसके लिए एक्सेस है, मॉल्स वगैरह में जो फ्री वाईफाई होते हैं उसे रोक सकते हो, दैट्स ऑल। पहले आप उनको बचाने के लिए कुछ करो। गेट क्रैकिंग, बर्न सम कैलोरीज। ये साइबर क्राइम वाले दिखते अच्छे हैं और बात भी अच्छा कर लेते हैं, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देम। सो अपने डिपार्टमेंट से किसी को उनके साथ कोऑर्डिनेट करने की ड्यूटी दो, समबडी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। सर बहुत सारे ऑफिसर्स की प्रोफाइल चेक करके देखा है सर, ये ऑफिसर गणेश इस केस के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा सर, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है। Are you confident about him? Yes, sir. आप जरा उसका प्रोफाइल तो देखिए सर। प्लेट। सर ये पिछले 5 सालों से अपने डिपार्टमेंट में है, अभी हाल ही में जो ATM केस हुआ था ना इन्होंने ही पकड़ा था। इनका प्लस और माइनस पॉइंट ये है कि ये हर काम को खुद का ही काम समझ के करते हैं सर। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, कराटे में ब्लैक बेल्ट, वो इस केस के लिए परफेक्ट है सर। ठीक है तो इनको डेप्यूट कर दीजिए और आप उनसे बात कीजिए, बट कीप मी इन द लूप। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गणेश, एक जरूरी केस के सिलसिले में तुमसे कुछ बात करनी है। 11 बजे के आसपास ऑफिस आ जाओ। डेफिनेटली सर।
ये एक फॉर्मल मीटिंग है। आई गॉट इट सर, आई विल बी देयर इन यूनिफॉर्म। गुड मॉर्निंग सर। यस, आओ। ये केस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक वेबसाइट पॉपुलर हुई है, ऑनलाइन में लाइवली हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पंजाबी केशन नाम के आदमी फंस गए हैं। क्यों, किस वजह से ये लोग ऑनलाइन हत्या कर रहे हैं, ये ही हमें पता लगाना है। इस केस के लिए बतौर स्पेशल ऑफिसर मैं आपको डेब्यूट करता हूँ। आई होप यू विल क्रैक इट। आई टेक चार्ज सर। आपके टीम मेंबर से मैं परिचय करवा देता हूँ, जिसे आप पहले से जानते हैं। ये हैं हेलेन। आई नो देम सर। हाय हेलेन। हाय। साइबर क्राइम ब्रांच स्पेशल ऑफिसर। और ये हैं गणपति। हेलो गणपति, नाइस टू मीट यू। ये जो हैं साइबर क्राइम ब्रांच के नेटवर्किंग एरिया को संभालते हैं। आप सब मिलके एक टीम वर्क करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस केस को खत्म करना है। ये बहुत बड़ा सरदर्द है। आई होप यू विल डू इट। ऑल द बेस्ट। यस सर, थैंक यू। थैंक यू सर। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द केस सर? ये वेबसाइट कल से पॉपुलर हो रहा है। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया लेकिन अभी तक इसके आईपी एड्रेस को नहीं ढूंढ पा रहे। लेकिन इसमें एक बात है, जितना लॉगिन बढ़ता जा रहा है उसकी बॉडी में ट्रिप्स की मदद से इंसुलिन चढ़ाते जा रहा है। सर अगर लॉगिन बढ़ गया तो इनकी जान को खतरा है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की ये जानने की कि ये वेबसाइट कौन चला रहा है लेकिन कुछ पता नहीं लगा पाए। हम लोग एक काम कर सकते हैं सर, पब्लिक ज्यादा लॉगिन न करे इसलिए हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। चलो पंजाबी किशन के घर चलते हैं, लेट्स गो। आपके पिताजी की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो तो बस अपने काम से मतलब रखते थे। पुलिस को मेरे पिताजी का ढूंढ निकालना चाहिए। आइए सर, एक मिनट, जस्ट साइड हो जाओ, साइड साइड साइड। आप प्लीज साइड, रास्ता छोड़िए, साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। कहीं भी पहुंच जाते हैं, आपको एक बार बोलो तो समझ में नहीं आता? हम लोग अपना काम कर रहे हैं। इनसे सवाल करना हमारा हक है मैडम। प्लीज, मैं दखल अंदाजी नहीं कर रही हूँ, एक जिंदगी को बचाने के लिए बोल रही हूँ। ये न्यूज़ मीडिया में नहीं आनी चाहिए। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जितने लॉगिन्स बढ़ते जाएंगे उनकी जान जा सकती है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस, ये न्यूज़ मीडिया में नहीं आनी चाहिए। प्लीज डोंट स्प्रेड दिस न्यूज़, प्लीज। ऐसे कैसे, पब्लिक को सब पता होना चाहिए। एंड वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस। क्या होता है अवेयरनेस? हाँ, हेलमेट पहनकर चलिए। पुलिस अपना गला फाड़ कर बोलती है लेकिन आप लोग नहीं सुनते। रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई एम्बुलेंस को फोन नहीं करता है लेकिन फोटो खींचकर पूरी दुनिया को भेज देते हो। ये अवेयरनेस नहीं, दिस इज एरोगेंस। एक जमाना था जब लोग घर से बाहर निकलते थे तो प्रे करते थे कि बाहर कोई घटना ना हो जाए, लेकिन अब कब कोई दुर्घटना हो जिसका फोटो निकाल कर भेजे, इस उत्साह में कई लोग घूमते रहते हैं। डिस्गस्टिंग। जब एक खून होता है तो गुप्त तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है, ना कि बोलबाला करके। हम लोगों ने कहां कहां जाल बिछाया है या आप लोग बड़े बड़े अक्षरों में लिखोगे और फिर मुजरिम को सावधान कर देते हो। आपकी न्यूज से वो बच जाता है, पब्लिक की पोस्टिंग देखकर समझ जाते हैं। एक छोटे बच्चे का जब रोड पर एक्सीडेंट होता है तो उसकी फोटो फेसबुक पर डालते हो और उसको हजारों लाइक्स भी मिलते हैं। क्या पागलपन है ये? ये देखिए, उस वेबसाइट को जितने लोग ओपन करेंगे उनकी जान को खतरा है, ये हमने पहले ही अनाउंस कर दिया है। उसके बाद भी लॉगिन ज्यादा हुए हैं ऐसा हमें अलर्ट आया है। इससे क्या पता चलता है? एक जिंदगी खतरे में है और उसे लाइव मैच की तरह आप लोग देख रहे हो। बहुत ही शर्मनाक बात है ये। जाइए, खुशी से शेयर कीजिए। कुलम सर, प्लीज आप लोग भी मामले की नजाकत को समझे। आप लोगों की भी कोशिश एक जिंदगी को बचाने की होनी चाहिए, प्लीज। तुम्हारा नाम क्या है? संध्या। संध्या, जरा अंदर जाओ। तुम्हारे पिताजी की जिंदगी बचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, हमें थोड़े डिटेल्स जानने हैं। प्लीज कम, चलो कम। Okay, keep trying. Put some hackers in the job if need, but I want results. Yeah. Sir, any development? नहीं हेलेन, एक्चुअली वो सर्वर ट्रेस नहीं हो रहा है। सिटी के बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एथिकल हैकर्स, सब लोग ट्राई करके देख चुके हैं लेकिन कोई भी फाइंड नहीं कर पा रहा है। सर, पंजाबी केशन की जान को खतरा है इसलिए हम लोगों ने लॉग इन नहीं किया, लेकिन अभी वो कैसी स्थिति में है ये भी जानना जरूरी है। करेक्ट, मैं भी वही सोच रहा था, बट देर इज नो अदर वे टू फाइंड आउट। गणपति, लॉग इन करो। ओके सर। गणपति, मॉनिटर में फीड करो। ओके।
इस एरिया को जूम करो। ओह माय गॉड, बोतल खत्म हो चुकी है। शिट शिट। ओह माय गॉड, आई थिंक ही इज डेड। इतना ट्राई करने के बाद भी बचा नहीं पाए। सर, ओके सर, ओके सर, आई विल चेक एंड विल कॉल यू बैक सर। दीदी, इस वीकेंड को स्टेफी का बर्थडे आप भूल गई थी क्या? याद है मुझे, आजकल ऑफिस में बहुत प्रेशर है, बहुत कुछ हो रहा है, और ऐसे में बर्थडे के बारे में वो छोटी बच्ची है, उसे बताएंगे तो उदास हो जाएगी। मेरी प्यारी, कुछ सिंपल सा अरेंज करती हूँ। स्टेफी, स्टेफी, सक्सेस। yes. इसे उधर रख दीजिए। नमस्ते सर। हैप्पी बर्थडे बेटा, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। गुड इवनिंग मैडम। ये लीजिए। हाय एलन। हेलो सर। हाय ब्यूटीफुल, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। सो प्लीज कम, लुकिंग गुड, लेट्स गो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Steffi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. जिस काम के लिए आए वो काम करते हैं। सर नमस्ते, नमस्ते। सर, आपको ऐसे देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी बॉडी बिल्डिंग करके बहुत बहुत स्मार्ट दिखने लग जाऊं, बिल्कुल आपकी तरह है। एकदम सिक्की पहलवान है तू भाई, तेरे अंदर की फीलिंग मैं समझ रहा हूँ। ये नेचुरल ब्यूटी है, तुझे देख के लग रहा है कि तूने बॉडी बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुझे वैसे कॉम्प्लेन पीने की जरूरत है छोटे। और एक बात और, स्टेला बहुत मासूम लड़की है, उसे गिफ्ट देना, किस करना, ये सब कुछ मत करना वरना वो बेहोश हो जाएगी। चुपचाप से खाना खा और निकल ले यहाँ से। हाले यार। क्या सर, मैंने तो आपकी तारीफ करी, आप उल्टा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। भलाई का तो जमाना। शर्ट देखो किस कलर का पहना हुआ है। और राइस डालना यार, तेरा क्या जाता है, वैसे भी वेस्ट ही होने वाला है। स्टेफी बेटी, हम दोनों मिलके एक गेम खेलते हैं। यस यस यस। ओके, ये है टॉकिंग आईज, मतलब आंखों से बातें करना। अंकल आके आई मूवमेंट करके तुम्हें कुछ करके दिखाएंगे। अब वो कौन सा वर्ड है तुम्हें गेस करके बताना होगा, वो कुछ भी हो सकता है। ओके। अब फर्स्ट रेडी। ये क्या है? ये क्या है? स्नेक, सांप। ऐसा सांप होता है? सांप तो ऐसा होता है। ऐसे से जगह तो मेरी आंख चली नहीं जाएगी। ये स्नेक है तो स्नेक है, यही गेम है। ज्यादा टॉर्चर मत करो, वैसे भी यहाँ बहुत ज्यादा पब्लिक है, कान खींचूंगा तो बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी, समझ गई ना? ओके नेक्स्ट। ये क्या है? ये है फ्लावर। फ्लावर ऐसा होता है? हाँ बेटा, पहले कली थी फिर फूल बन गया, समझी? मैं बताऊँ कैसा था? नहीं नहीं मुझे सही से नहीं आता, लेकिन यही गेम है। अच्छा एक जरूरी बात स्टेफी, अंकल जब जब तुम्हारे घर पे आएंगे तब तब ये गेम खेलेंगे। अंकल ने जो बताया ना उसे ठीक से याद रखना, वो वर्ड क्या है अगर तुम सही बताओगी ना तो अंकल जब भी तुम्हारे घर आएंगे चॉकलेट लेके आएंगे, ठीक है ना? ओके, वेरी गुड, यू आर ए जीनियस। नमस्ते। इंसान की तकलीफ को देखकर इंसान खुश होगा, ऐसा जमाना एक दिन आएगा, आपने तब कहा था, लेकिन वो दिन अब आ गया है। एक इंसान की तकलीफ दूसरा इंसान देख रहा है। इस दुनिया में कोई भी घटना होती है तो ये दुनिया वाले उसे कहीं ना कहीं ढूंढकर व्हाट्सएप पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं। सबके अंदर एक जानवर है, कोई किसी को मारे ये देखने के लिए ये जानवर तड़प रहे हैं। अच्छा हुआ नवीन आ गया, अब छापने के लिए हमें अच्छी खबर मिल जाएगी। हेलो हेलो, पीछे बैठो। जैसे किसी वीआईपी का इंटरव्यू लेते हैं ना, इनसे भी ऐसे ही सवाल करने हैं कि इन्हें टेंशन आ जाए, ठीक है? अरे ऐसी बातों का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कॉमेडी नहीं आती तो क्यों करते हो? तुम नहीं हो क्या? प्राइम मिनिस्टर का नाम पता है? वो तो मुझे भी नहीं पता है। नमस्ते। सबको मेरा प्रणाम। हाँ
हमारी पार्टी के चुनाव वक्तव्य आपने सुन लिए? कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप जिस पार्टी के खिलाफ थे उससे आपने हाथ मिला लिया है, तो अब जनता आप पर कैसे विश्वास करेगी? हमारे देश की राजनीति में किसी पार्टी के साथ हाथ मिलाना, पार्टी बदलना आम बात है। हर पार्टी की अपनी नीति होती है और चुनाव के समझौते भी अलग होते हैं। ये राजनीति के उसूल हैं। अगला सवाल, आपने चुनाव वक्तव्य में हमारी सरकार जब बनेगी वहाँ 3 डॉट छोड़ा है, ये किसी फिल्म के टाइटल जैसा लग रहा है। उसके बाद सब कुछ ब्लैंक है, तो इसका मतलब ये है क्या जब आपकी सरकार बनेगी तो आप कुछ नहीं करेंगे? चुनाव वक्तव्य को पूरी तरह पढ़ने के बजाय सिर्फ कवर को पढ़कर इस प्रेस मीटिंग में आने का कोई मतलब नहीं है। कोई और अच्छा सा सवाल है तो पूछिए। सॉरी सर, अभी तक आपका टीवी रिपोर्टर आया नहीं है। हेलो मिस्टर, आपको लगता है कि हम लोग अपने आदमी खुद सेटिंग करके रखते हैं? आपकी सेटिंग है या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन एक प्रेस मीटिंग के एक सवाल से आप इतना परेशान हो रहे हो, इसका मतलब आप चुनाव से डर रहे हो क्या? कौन डरता है, किसे डरता है? तुम मुझसे डर रहे हो इस समय, इसलिए इस तरह के फालतू सवाल कर रहे हो। ये सब नौटंकी मेरे सामने मत दिखाओ। हम सबको आपसे डर लगता है, इसलिए निकलने से पहले हम LIC और मेडिक्लेम चेक करके निकलते हैं। ये कैसा सवाल है? हैं? लफड़ा करने के लिए आया है यहाँ पर? मुझे भड़काने के लिए आए हो? देखो तुम अपने घर नहीं पहुँच पाओगे, अच्छी तरह से समझ लो। दौड़ो मुझे। अरे हटो। नेताजी आपकी धोती निकल रही है। ये लोग सोशल मीडिया में कॉमेडी करने के लिए प्रेस मीटिंग में आते हैं। नारद मुनि, कलयुग के नारद मुनि, जिस काम के लिए आए थे वो तो तुमने कर लिया ना? खाना दिया ना, खाया क्या तुमने? खाना खा लिया। आया खाया गया, ये गलत है। पत्रकार के अंदर फायर होनी चाहिए। फोन बज रहा है। काम के वक्त मेरी गर्लफ्रेंड परेशान कर रही है। हेलो डार्लिंग, अभी पहुंच रहा हूँ, मैं अभी तुरंत पहुंच जाऊंगा। हाँ पहले तो बहुत भौंक रहा था, फोन पे दुम हिला रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, नेताजी की कार है ना, वो उस टर्निंग पॉइंट से पहुंचने से पहले नेताजी का ये वीडियो फेसबुक ट्विटर सारी सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड हो जाएगा, फिर तू देखना नवीन का खेल। नवीन तू ग्रेट है यार। नवीन, विल यू लिसन टू मी? पहले जमाने में गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के हाथ से सिगरेट उठाकर फेंकती थी, लेकिन आजकल जमाना ऐसा आ गया कि फोन उठाकर फेंकना पड़ता है। निमी तुम ओल्ड फैशन्ड हो, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। कहां पहुंच गई? चारों तरफ नजर घुमा के देखो। यस 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 ब्रो, कोई गुड न्यूज है क्या? बिल्कुल ब्रो, मेरी फ्रेंड प्रियंका कॉफी पीने आने के लिए रेडी हो गई है। क्या बात है ब्रो, कहां से आ रही है? उस टेबल से, उस जोकर के जाने के बाद वो आएगी। ब्रदर आप दोनों ने तो बात भी नहीं की। व्हाट्सएप में तो बात करने की क्या जरूरत। साइलेंटली पटा भी लिया क्या? नो ब्रदर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे सारे ग्रुप्स को पता चल गया। अरे बाप रे, ये कब हुआ? जस्ट नाउ, ये देखो। देखा निम्मी, ये आज का जमाना है, ये कल बदल सकता है। आज तूने लेटेस्ट ऐप डाउनलोड नहीं की ना तो अपने एज ग्रुप से आउटडेटेड हो जाएगी, यही फैक्ट है। एक सेकेंड, हेलो। इंटरेस्टिंग, मैं अभी आया। एक जरूरी काम है, निपटा के आता हूँ। तब तक एक काम करो, कॉफी ऑर्डर कर लो और उसका बिल भर दो। सी यू। आई डोंट वांट टू सी यू, गेट लॉस्ट। जल्दी आता हूँ ना। हेलो, मेरी लवर से तूने मुझे बचा लिया, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हेलन, सॉरी टू वेक यू अप। अगली प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। व्हाट हैपेंड सर? उसने किसी और को उठा लिया है। किसको सर? ओह माय गॉड, हू? सर मैं तुरंत तैयार होकर आती हूँ। या कम हेलन, देखो ये रहा नेक्स्ट टारगेट। आज मॉर्निंग 8:20 को फर्स्ट अलर्ट आया है।
सर्वर को अब तक हम ढूंढ नहीं पाए हैं। जो फंसा है वो कोई वीआईपी है? ये जो लड़का है ये मीडिया में काम करता है, सारे वीआईपी लोगों से इसका कांटेक्ट है। अच्छा हुआ इस बार खुद ही मीडिया ने अलर्ट किया है कि इस वेबसाइट में मत जाओ, इसलिए जरा ध्यान से देखो टीवी में स्क्रोलिंग जा रहा है। सर, राइट सर, आई एम ऑन अ वे। गणपति, यस सर। हेलेन, वी हैव टू फाइंड आउट वेबसाइट, ओके? आई विल बी बैक। मेरी पार्टी के सदस्यों, रिपोर्टर नवीन का हमारे साथ कभी टकराव हुआ था, लेकिन हम साथ में भी रहे हुए हैं। आप सब जानते हैं कि आज वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस वेबसाइट को मत देखिए। किसी भी हालत में आप लोग इस वेबसाइट को मत देखिए। मेरी विनती है आपसे, इस वेबसाइट को मत देखिए, मत देखिए। धन्यवाद, नमस्ते। एक नंबर के बेईमान है, क्या कह दिया इसने? क्या सर, इस वक्त आप नींद में हो क्या? हमारे नेता अपनी बात इतने अच्छे से जनता से कह रहे हैं और आप कहते कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम कैसे पुलिस हो यार, जो सच्चाई नहीं समझते? जब भी कोई नेता अपने सदस्य को आग में मत कूदो कहता है, वो किसी और को मरने के लिए कहता है। और जब हाथ जोड़ के विनती करता है कि कृपया आप लोग हिंसा में शामिल मत हो, इसका मतलब होता है कि किसी को मार डालो। ये भी जो बोल रहा है ना, उसका मतलब किसी को बचाना नहीं था, मारना था। कुछ समझ नहीं आया सर। ये सब राजनीति का खेल है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है सर। समझ में आता तो तू यहाँ रहता। सर, एक मिनट सर। सर, हम लोगों से जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। किसी की जान जा रही हो, पुलिस वाले सो रहे हैं। लुक, आई एम ट्राइंग टू डू माय बेस्ट। आपका बेस्ट किसी काम का नहीं है। अपराधी को अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट करो। बोलिए सर। सॉरी गणेश, कमिश्नर साहब के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसमें हमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना होगा। ओके, तुम यहाँ वेट करो। श्योर सर। एक केस में अबडक्शन होने के बावजूद आप लोगों ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। आप लोग पुतले की तरह खामोश क्यों हैं? वो यहाँ मर्डर को पब्लिक को लाइव दिखा रहा है, अब सिर्फ बीच में एडवर्टाइजमेंट दिखाना बाकी है। व्हाट्स हैपनिंग? इज आवर डिपार्टमेंट फंक्शनिंग एट ऑल? सर, ये लोग उस सर्वर को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट के जरिए हमारी कोशिश जारी है सर, स्टिल हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर शिव कुमार, आपका कहना मैं सुन सकता हूँ, गवर्नमेंट सुनेगी क्या? सुबह से होम मिनिस्टर के बहुत सारे कॉल्स आ चुके हैं। इसमें जो इन्वॉल्व है वो मीडिया पर्सनालिटी है, इसकी चर्चा मीडिया में, पेपर में, हर जगह हो रही है। ये एक सेंसिटिव इशू बन चुका है। व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? एक न्यूज़पेपर में एक बड़ा सा हेडलाइन है कि पुलिस ये गेम हार चुकी है, तो क्या आप लोग ये गेम में शामिल है? Wanna join? Look, I want some positive results, definitely. एक और बात, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो केस से जुड़े ऑफिसर्स पर एक्शन लेना पड़ता है, ऐसा एक रूल है। तो किस पर एक्शन लिया जाएगा ये आप लोग डिसाइड करेंगे और मुझे बताएंगे अगले एक घंटे के अंदर। सर, मिस्टर शिव कुमार, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कमिश्नर साहब ने क्या बोला आप लोगों ने सुना। माय हैंड्स आर टाइट। मिस्टर गणेश को ज्वाइन हुए 10 दिन हो चुके हैं, इट्स टू अर्ली, इसलिए। आई अंडरस्टैंड सर। कमिश्नर सर जो भी फैसला लेंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ सर। सर एक्सक्यूज मी सर, साइबर क्राइम में मैं टेक्निकल साइड संभालता हूँ, ये मेरी तरफ से हुई मिस्टेक है सर। आपको तो पता ही है मैडम के पति एक पायलट थे, उनके एयर क्रैश होने के बाद मैडम डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुई हैं और तब से लेके अभी तक ये अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रही हैं। इनके प्रोफाइल में कोई ब्लैक मार्क नहीं आना चाहिए। गणपति, यू वेट एंड कलेक्ट योर सस्पेंशन ऑर्डर। गणा, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं मैडम, इस सस्पेंशन ऑर्डर पे अपने कमिश्नर साहब ने साइन किया है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये भगवान की ही कोई इच्छा है। वैसे भी मुझे ये काम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था,
मैं यहाँ सिर्फ फिल्म देखने ही आता हूँ, ये कह के मैंने अपने काम को कई बार जलील किया है। काम चाहे जो भी हो, अपने काम की इज्जत करनी चाहिए मैडम। मेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ मैडम। आप ऑफिस जाइए, मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। गणा क्या मैडम? एनीवे मेरी स्टेला बहुत खुशकिस्मत है। थैंक यू मैडम। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैडम, सी यू सून। गणेश को बुलाओ। यस सर। सर। गणेश, मीटिंग में कमिश्नर बहुत गुस्सा हो गए और फाइनली गणपति को सस्पेंड कर दिया। ओह माय गॉड, आई डिडंट वांट टू लूज यू, इसीलिए मैंने तुम्हें मीटिंग में आने से मना किया था। आई हैव फुल कॉन्फिडेंट ऑफ यू, यू मे प्रोसीड। ऑल द बेस्ट। आई डू माय बेस्ट सर। ओके टीम, सब लोग यहां देखिए, वी हैव टू ट्रैक दिस। हर एक क्राइम के पीछे एक मोटिव होता है, अगर उस मोटिव का पता लगा लेंगे तो दुश्मन कौन है ये भी पता चल जाएगा। सर, इन दोनों में संबंध क्या हो सकता है? गुड भास्कर, उस एंगल में इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, एक कनेक्शन हो सकता है। इट शुड बी सम रैंडम सिलेक्शन आल्सो। माइलस्वामी, डू वन थिंग, तुम साइबर क्राइम की मोस्ट वांटेड लिस्ट निकालो और उसका क्राइम पैटर्न इस क्राइम से मैच हो रहा है क्या वो देखो। गेट इट इमीडिएटली। ओके सर। और तुम शेखर। सर। नवीन और पंजाबी किशन के लास्ट फोन कॉल्स को ट्रेस करो, उसकी लिस्ट निकालो। ओके सर। गेट इट। जी सर। लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों वो दुनिया को दिखा कर रहा है, इंटरनेट के जरिए लोगों को मार रहा है। बर्फ तो पिघलती जा रही है, मर जाएगा क्या वो? पता नहीं। मीडिया के अवेयरनेस देने की वजह से लॉगिन ग्रेजुअल बहुत ही कम हुआ है, बट वो इंसान धीरे धीरे मर रहा है। सर, ये बर्फ लगातार पिघल रही है सर। सर, इस वेबसाइट का लॉगिन जितना इंक्रीज होते जा रहा है उतना ही हेलोजन बल्ब ब्राइटनेस बढ़ाते जा रहा है। जितना ब्राइटनेस बढ़ता है उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा और ये बर्फ पिघलेगा और उसके गर्दन की रस्सी टाइट होती जाएगी सर। इधर आ देख, मुझे नहीं लगता कि ये बचने वाला है, बर्फ खत्म होती जा रही है। अरे ये तो मर गया सर। नवीन का चैप्टर क्लोज। फेमस टीवी रिपोर्टर मिस्टर नवीन का रहस्यमय तरीके से कत्ल कर दिया गया। एक वेबसाइट पर किसी का लाइव मर्डर दिखाते हुए ये दूसरा केस है जो हम सब देख रहे हैं। ऐसा शक है कि अपने टैलेंट के लिए मशहूर रिपोर्टर नवीन की हत्या के पीछे राजनेताओं का हाथ हो सकता है। आई डोंट थिंक ही विल स्टॉप इट दिस। अगला टारगेट कौन है? नमस्ते सर। नमस्ते। आप यहाँ पर? तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर, दरअसल एसपी साहब को पाइल्स देने आया था। वो पाइल्स नहीं, फाइल्स है। वही सर, मैं पाइल्स देने तो आया लेकिन घर में ना मैडम है ना उनकी बच्ची है। ओ, घर पे कोई नहीं है तो मैं जाता हूं। सिर्फ स्टेला मैडम है। फिर मुझे काम है, यू कैन गो। वैसे सर मेरे को एक डाउट है, इस वक्त आपको क्या काम है उनसे? इस वक्त तुझे काम हो सकता है तो मुझे नहीं हो सकता। काम बताइए सर। वो क्या है, फ्यूज चला गया है इसलिए उसे देखने आया हूं। अच्छा, डिपार्टमेंट ने आपका फ्यूज निकाल दिया है और आप बंगले में फ्यूज लगाने आए हैं? इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया क्या आपने? पहले तू करंट लगे जैसे कौवा जैसा है, चला जा वरना मेरे हाथ से खून हो जाएगा। मुझे प्रमोशन कब मिलेगा, किससे बात करूं? के पास जाके कर। कहां चली गई थी आप? मैंने पूरा घर छान मारा। क्या हो गया आपको? आप फ्यूज करंट की बात कर रहे थे। वो कुछ नहीं, बहुत दिनों से एक ट्यूबलाइट नहीं जल रहा था। मैं कितना भी स्विच दबाता हूँ, कनेक्शन भी दे रहा हूँ लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए डायरेक्टली अपने प्यार का इजहार करने आ गया। किससे? दीदी से। क्या दीदी से?
ये क्या शौक में तो उतला के बात नहीं करिए। दीदी से मुझे थोड़ा डर लगता है लेकिन मुझे आई लव यू। वैसे मुझे दीदी से डर लगता है लेकिन आई टू लव यू। ट्यूबलाइट तो अच्छे से जल गई। रिंगटोन रिंगटोन तुम कुछ गलत मत समझना है, कॉल आया है, अटेंड करके आता हूँ। नवीन की हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है, आपको किसी पर शक? मैडम वो जो काम करता है ना वो बहुत ही खतरनाक है। ऑफिसर्स, राजनेता, बिजनेसमैन और ये बड़े बड़े साधु लोग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है मैडम। लेकिन उसकी हत्या कर दी जाएगी ऐसी प्रॉब्लम होगी ये नहीं सोचा था। नवीन ने कभी बताया कि उसे जानलेवा धमकी मिली है? नहीं मैडम, वो जो काम करते थे मुझे पसंद नहीं था और इसी को लेकर हमारे भी झगड़ा हुआ करता था और इसी वजह से इस काम में जितनी भी रिस्क और धमकियां मिलती थी मुझे नहीं बताया करता था। Can you give me Facebook ID, password दे सकती हो? ADMS@gmail.com। हाँ, password? Darling। Okay। थैंक्स यार, बाय। हेलो सर। हेलो सर, ये लीजिए सर आपकी लिस्ट। थैंक यू। अनऑफिशियल है सर। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके सर, बाय। अपने यहाँ अनऑफिशियल ही ऑफिशियल होता है। गुड मॉर्निंग गणपति, कुछ पता चला आपको? सर गुड मॉर्निंग सर, उसके बारे में एक जरूरी सूचना है सर, डिटेल्स बाद में बताता हूँ सर। यूएस में मेरा एक नेटवर्क एक्सपर्ट फ्रेंड है, उसको मैंने नेटवर्क ट्रेस करने के लिए कहा था। उन लोगों ने कहा है कि एक पब्लिक वाईफाई सिस्टम से लॉन्च हो रहा है सर। एयरटेल ऑफिस में हाई बैंड नेटवर्क यूजर्स की लिस्ट आई है सर, उससे पता चला है कि अपने शहर के सिटी मॉल में हाईएस्ट बैंड यूज कर रहे हैं, वो वहीं कहीं मॉल में है। अगर आप अपनी पूरी टीम के साथ उस मॉल को सर्च करेंगे तो आप जरूर उस मुजरिम को पकड़ सकते हैं। आर यू श्योर अबाउट दिस? 100% श्योर सर। ओके गणपति, आई एम ऑन माय वे। हेलो सर। बोलो गणपति। सर कम से कम शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। उस सर्वर को ट्रेस करके देखा तो एक पब्लिक वाईफाई से ऑपरेट हो रहा है सर, ये एकदम साफ है। मैंने उस लिस्ट को निकाल के एनालाइज किया और सर्विस प्रोवाइडर से मैंने डिटेल्स ली तो ये वही मॉल है, ये कंफर्म हो गया। इस मॉल को अच्छे से सर्च करेंगे तो कंफर्म उसे पकड़ लेंगे। नो गणपति, इसे करने में बहुत बड़ा रिस्क है, पब्लिक अटेंशन, मीडिया अटेंशन और भी बहुत कुछ। मोर ओवर अगर फेलियर हो गया तो अपना नाम और खराब होगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपना नाम खराब होगा सर, टेक्नोलॉजी कभी गलत नहीं बोलती है। जब मैं निकला था तो वो सर्वर एक्टिवेट था सर, वाईफाई को स्टॉप करेंगे तो उसे पकड़ सकते हैं। आर यू 100% कॉन्फिडेंट अबाउट दिस? यस सर। लेकिन ये दुकान वाले मानेंगे क्या? अगर उनका क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना स्टॉप हो गया तो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। एनीवेज भास्कर सर, इस मॉल के आईटी मैनेजर को लेकर आओ जल्दी। सर यहाँ के लोगों को कन्विंस करना होगा तभी हमें प्रॉपर डिटेल्स मिलेगी सर, ये करना ही होगा सर। आने दो, बात करके देखते हैं। ओके सर। सर वो चाहे जो कुछ भी बोले आपको कन्विंस करना ही होगा, तभी हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। आप ही इस मॉल के आईटी मैनेजर हैं? सर आपसे हेल्प चाहिए। यस सर, बोलिए ना सर। इस मॉल का वाईफाई कंप्लीटली ऑफ करना होगा, कर सकते हैं? नहीं सर, ये मुश्किल है क्योंकि सर इस मॉल का सिक्योरिटी कैमरा, स्वाइप मशीन सब कुछ वाईफाई से कनेक्टेड है, इसलिए। सिक्योरिटी कैमरा का वाईफाई से क्या संबंध है? सर आप सही कह रहे हैं, पर यहाँ के MD यहाँ जितने भी सिक्योरिटी कैमरा हैं उनको अपने लैपटॉप में वाईफाई के जरिए देखते हैं, इसलिए। सुनिए, आप अपने MD से बात कीजिए और इमीडिएटली वाईफाई ऑफ करवाइए। पुलिस डिपार्टमेंट से प्रेशर है, ऐसा बोलो, चलो जाओ। ओके सर। ठीक है गणपति, मैं कमिश्नर से कहकर इमीडिएटली टास्क फोर्स को भेजने बोलता हूँ, प्लीज सर। ओके सो गणपति,
हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो टारगेट इसी मॉल के किसी कोने में बैठकर उस वेबसाइट को ऑपरेट कर रहा है। हाँ सर। टीम सर, इस मॉल में हम बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। मॉल में जितने भी लोग हैं उनको ठीक से चेक करके ही भेजो और शॉप ओनर्स को अलर्ट करो कि वो लोग भी हमें सर्च करने में हेल्प करें। हर एक फ्लोर पर, हर जगह पर सर्च करो। ओके, चलो तुरंत स्टार्ट करो। ओके सर। क्या चाहिए आप लोगों को? सर, किस जानकारी के आधार पर आप कह रहे हैं कि मुजरिम यहाँ छुपा हुआ है? सर, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन? बताइए, मेरी बात बताइए सर। जब हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है तब वहाँ पूछना चाहिए कि ऑपरेशन सक्सेस हो गया या नहीं। सर, इस केस में पेशेंट ऑपरेशन सक्सेस कब तक चलता रहेगा? सर, मैं आपको बताता हूँ, प्लीज कोऑपरेट विद अस, वी आर डूइंग आवर जॉब। सर सर, प्लीज आपको जवाब देना होगा। सर सुनिए, कौन हो तुम? क्या हो रहा है यहाँ पे? लैपटॉप दिखाओ। अरे छी, यूज़लेस। सर, हमें तो कुछ नहीं मिला, आपको कुछ मिला? नहीं सर, मैं जब यहाँ आया तो सर्वर एक्टिव था। सर ने आपको बुलाया है। ठीक है सर, कुछ नहीं मिला ना? सर, हमने कंप्लीटली चेक कर लिया मगर कोई एविडेंस नहीं मिला। सर, हर एक फ्लोर चेक किया, कुछ भी नहीं है सर। सर, यहाँ ना ही कोई संदिग्ध आदमी मिला है और ना ही कोई इक्विपमेंट मिला है। ओके, लिसन अप टीम, सर्च इज ओवर, डिस्पोज। गणपति, मैंने तुमसे कितनी बार पूछा, आर यू श्योर ऑफ इट, आर यू कॉन्फिडेंट, और तुमने मुझसे हाँ बोला। अभी देखो क्या हुआ। हमें टेक्नोलॉजी पता नहीं है, इसलिए सर हमें फूल बना रहे हो। सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, वो इधर ही होना चाहिए। बस हो गया, आपके भरोसे आपने जो जो कहा वो सब कुछ मैंने यहां किया, लेकिन अभी सस्पेंड होने की नाराजगी में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देकर इस केस की दिशा बदलने की कोशिश कर रहे हो तुम। सर, सच बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। श्योर? स्टॉप इट, बस हो गया, आज के बाद इस तरह की मिसलीडिंग करने की कोशिश मत करो। आई वॉर्न यू। सॉरी सर, वेरी सॉरी सर। हेलो सर। आइए मिस्टर गणपति, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। प्लीज बी सीटेड। सर, वो वेबसाइट फिलहाल बहुत तेजी से फैल रही है, उससे संबंधित इन्वेस्टिगेशन के लिए आपकी मदद चाहिए। श्योर, बोलिए क्या चाहिए। उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी पकड़ में नहीं आ रहा। उसको मास्क करके रखा है, अब क्या करें? आईपी एड्रेस को मास्क करके रखा है, हो सकता है वो लोग वीपीएन यूज कर रहे हों, और इसमें अगर गेटवे नहीं है तो उनके सर्विस प्रोवाइडर को ट्रेस करके उन्हें पकड़ा जा सकता है। ओके, इससे संबंधित हेल्प के लिए किसको कांटेक्ट कर सकते हैं? दो लोग रिसर्च कर रहे हैं इस सिलसिले में, एक का नाम है शंकर और दूसरे का नाम है सुरेश। आप इन दोनों से कांटेक्ट कर सकते, ये लोग हेल्प करेंगे। सुपर सर। दिस इज देयर कार्ड, फोन पे कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू सर। आइए मिस्टर गणपति। हेलो। आपने जो फोन पर बताया था हम वही डिस्कस कर रहे थे। नॉर्मली अगर कोई एनोनिमस वेबसाइट लॉन्च करना हो तो आईपी एड्रेस मास्क करते हैं, ऐसा करने के लिए वीपीएन को यूज करते हैं। ये दोनों आप देख चुके हैं, इसके अलावा दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है ये सोच रहे हैं। लास्ट टाइम जब यूएस गए थे वहाँ पर हमने डेफकॉन हैकर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक डिवाइस को लॉन्च किया गया था। उस डिवाइस को यूज करके आईपी एड्रेस मास्क करके वेबसाइट हम सेट कर सकते हैं।
बट प्रॉब्लम क्या है कि उस डिवाइस को यूएस में बैन कर दिया गया है और उसे कैसे भी यूज करना अब इलीगल है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, आप क्या बोलते हैं? जरूर, एक्चुअली जब से वो बैन हुआ है हैकर्स का इंटरेस्ट और बढ़ गया है। असल में वो क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एक बेस स्टेशन और रिसीवर। इस बेस स्टेशन को पब्लिक वाईफाई सिस्टम के जरिए 2.5 किलोमीटर के रेडियस में हम रिसीवर की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। एक्चुअली इट वर्क्स ऑन अ रेडियो फ्रीक्वेंसी। अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सर, इफ यू डोंट माइंड, आपकी इजाजत हो तो मैं इसका वीडियो बना सकता हूँ। बिल्कुल बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसे एक पब्लिक वाईफाई सिस्टम समझो। तो इधर एक बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन और 2.5 किलोमीटर रेडियस। इट वर्क्स ऑन अ रेडियो फ्रीक्वेंसी। और यहाँ एक रिसीवर है। उस रिसीवर को जो लॉन्च करता है उसका लैपटॉप या सर्वर उसमें कनेक्ट किया होगा। ओके। तो ऐसे यूज करने से आपका आईपी एड्रेस मास्क हो जाता है और इसे कौन लॉन्च कर रहा है ये ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। ओनली पॉसिबिलिटी इज इस तरह के पब्लिक वाईफाई सिस्टम में बेस स्टेशन ऐसा एक छोटा सा डिवाइस कहाँ रखा होगा, उसको हम ढूंढ लेंगे तो उसके फ्रीक्वेंसी के जरिए हम रिसीवर को ढूंढ सकते हैं। इन दोनों के बीच 2.5 किलोमीटर की दूरी होगी, तो इसे बेस रखकर आप लोग उसे पकड़ सकते हैं। एक छोटी सी बात है, बेस स्टेशन कैसा होगा ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, नेट से डाउनलोड करके देता हूँ। थैंक यू सर, दिखाइए। ये है वो डिवाइस। एक्चुअली ये करने का टैलेंट हमारे देश में किसी में है या नहीं ये नहीं पता। ये डिवाइस यहाँ नहीं मिलता है, ऑनलाइन जाकर किसी ने इसे इलीगली खरीदा होगा। जब वो वेबसाइट वायरल हुआ था तो हम लोगों ने भी हैक करने की कोशिश की थी। सर, हमने बहुत ट्राई किया था। पर अगर आप उस बेस स्टेशन को ढूंढना चाहते हो तो किसी पब्लिक वाईफाई सिस्टम में सर्च कीजिए, आपको ये वहीं पर मिलेगा और कहीं नहीं। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। योर मोस्ट वेलकम। मदद करने के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। ये डिवाइस तो यहाँ पर नहीं मिलेगा सर। हमने इतना ढूंढा, हमें नहीं मिला। चलिए देखते हैं, एक बार ट्राई कर लीजिए। हाँ ठीक है। डियर हेलन मैडम, नमस्ते। जल्दबाजी में फैसला करके अपने काम को छोड़ने वाला गणपति इस ईमेल को लिख रहा है। जब मैं डिपार्टमेंट में था तो मुजरिम से बहुत दूर था, लेकिन जब डिपार्टमेंट को छोड़ दिया तो मुजरिम के करीब पहुंच रहा हूँ। कोई इंसान कहीं किसी कोने से वेबसाइट को ऑपरेट कर रहा है और उसके लिए भी अमेरिका से इक्विपमेंट ढूंढा है। एक पब्लिक वाईफाई के सिस्टम से 2.5 किलोमीटर की दूरी से वेबसाइट चला रहा है, उसे एक्सेस कर सकते हैं। वो सारा लिंक आपको सेंड कर रहा हूँ। पिछली बार वेंकटरमन सर के मुंह से बहुत गालियां सुन चुका हूँ, लेकिन इस बार पूरी तरह से कंफर्म होने के बाद आपको मैसेज कर रहा हूँ। स्टेला और स्टेफी को मैंने बहुत याद किया, बोलिएगा। थैंक यू मैडम। हेलो गणपति, आप कौन? सर मैं शंकर और सुरेश का फ्रेंड रमेश बात कर रहा हूँ। ओ, आपने जिस चीज के बारे में पूछा था उसका लेटेस्ट वर्जन इंडिया में किसने खरीदा है इसकी डिटेल्स मेरे पास है, तो क्या मैं आपसे मिलकर डिस्कस कर सकता हूँ? पर ये कॉन्फिडेंशियल है, अकेले ही आइए। श्योर सर, जरूर आता हूँ। कहाँ आना है आपको? बर्ड ऑन ट्री रेस्टोरेंट पता है? हाँ हाँ, वहाँ आ जाइए। श्योर। हे ब्रो। हे, कैसा है यार तू? एकदम अच्छा हूँ दोस्त। यहाँ पर क्या कर रहा है? अच्छा हुआ तू मिल गया, एकदम सही टाइम पे आया है। बीच रोड पे बर्ड ऑन ट्री रेस्टोरेंट के पास थोड़ा ड्रॉप करेगा क्या? अरे थोड़ा क्या, पूरा ड्रॉप करता हूँ ना, चल बैठ। तू कॉमेडी नहीं छोड़ेगा ना? गाड़ी निकालूं? हाँ हाँ निकाल। अच्छा यार, हाँ बोल ना। मैं अब किसी लड़की के पीछे पीछे बिल्कुल नहीं भागता। ऐसा है क्या? हाँ। तू अच्छा इंसान है या बुरा? मैं अच्छा इंसान हूँ सत्या। अगर तू सुधर गया तो हम लोग कैसे जिएंगे? मैंने अपना काम शुरू कर दिया है, पता है? ये बात है, क्या काम करता है? नहीं बताऊंगा, तू मुझ पे हंसेगा। ऐसा है क्या? तू बोल तो। लेडीज हॉस्टल का वॉचमैन हूँ यार मैं। लेडीज हॉस्टल में वॉचमैन का काम? हाँ भाई, दुनिया चलती है मेरे से। बढ़िया है। सॉरी मेरे भाई, उस दिन ऐसी सिचुएशन थी कि अपने हाथों से तुझे मारना पड़ा, प्लीज बुरा मत मानना। अरे यार, उसी घटना ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आदमी गलत काम करेगा ना तो उसे बचाने के लिए कोई भी दोस्त साथ नहीं देता है। अरे तूने मुझे सही बात के लिए मारा था, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। थैंक्स मेरे भाई। चलता हूँ यार, ड्यूटी का टाइम हो गया है, हॉस्टल में सिस्टर वेट कर रही होगी। चलता हूँ मैं, टेक केयर। क्या यार तू इतना डल दिखाई दे रहा है, जिंदगी में खुशी से रहना सीख ले यार। चलता हूँ, कॉल करना। ओके भाई, बाय। हेलो सर, क्या आप रेस्टोरेंट के अंदर हैं क्या? नहीं, बाहर हैं। ओके सर।
सर, जिसकी मौत हुई है पंजाबी केशन की बेटी और नवीन की गर्लफ्रेंड से बात करके फेसबुक आईडी और ईमेल आईडी लेकर मैंने एनालाइज किया है कि ये दोनों सोशल मीडिया पर हाइपर एक्टिव थे, यही इन दोनों का संबंध है। मैंने सब चेक किया है सर, बाकी उन दोनों की पोस्टिंग्स में कोई भी गड़बड़ या ऑफेंसिव मैटर नहीं है सर। इंटरनेट में हाइपर एक्टिव? यस। हेलेन, देखो इस बात को हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। एक काम करते हैं, तुम नवीन का फेसबुक वापस चेक करो, मैं पंजाबी केशन का अकाउंट ओपन करता हूँ, देखते हैं कोई सिमिलैरिटी है क्या, ये पता चले कि दोनों ने भी किसी खास इशू पर टच किया है क्या। आई एम श्योर वी कैन मेक अ ब्रेक थ्रू। ओके, लेट्स गेट टू वर्क। यस सर। ओके, हेलेन, 2015 फेब 27 टू मार्च 15 के अंदर नवीन ने एक सुसाइड वीडियो शेयर किया है, जरा देखो तो उसे। देखती हूँ सर। यस, इनफैक्ट पंजाबी केशन का वीडियो शेयर करके ये नशे वाला पंजाबी केशन हो सकता है, ऐसा एक स्माइली के साथ नवीन ने पोस्ट किया है सर। हेलेन, मुझे लग रहा है हम उस मुजरिम के करीब पहुंच गए हैं। सुबह होने से पहले ये सुसाइड डिटेल्स मैं कलेक्ट कर लूंगा, उसमें से बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे। टुमारो इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल डे। गुड नाइट हेलेन। गुड नाइट सर। ओह माय गॉड, जितना देखोगे उतना पानी भरता जाएगा और ये उतना ही मौत के करीब पहुंचता जाएगा। गणपति, कमिश्नर को बुलाने से पहले मैंने खुद उनको बुला लिया है और 48 घंटों में मैं इसे किसी भी कीमत पर पकड़ लूंगा, ऐसा अनाउंस करने के लिए कह दिया है। ये हमारे खुद के लिए एक बड़ा टेस्ट है हेलेन। यस सर। गणपति एक पुलिस है, इसलिए बहुत सारे लोग ये लॉगिन करेंगे, ऐसा सोचकर मुझे डर लग रहा है। हेडलाइन में पूरी गणपति के बारे में ही न्यूज है। एनीवेज, वी विल फेस दिस। Yes, sir. Be strong, Helen. हाँ बोलो दिनेश। सर, आपने एक फोन कॉल ट्रेस करने को बोला था। हाँ बोला था। सर मैंने उसे ट्रेस किया, उस पर एक खास नंबर से कई बार फोन कॉल्स आए हैं। एक नंबर से? वो नंबर बताओ। सर जब वो नंबर ट्रेस किया तो पता चला उसमें इंटरनेशनल कार्ड यूज किया गया है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंटरनेशनल कॉल? ओके दिनेश, आई वॉन्ट यू टू वर्क ऑन दिस, आई वॉन्ट दैट नंबर इमीडिएटली। ओके, प्लीज इन्फॉर्म मी। बाय। इस तरह के हाई एंड इक्विपमेंट किसी ने लिए हैं क्या? DHL कुरियर में चेक करो। ओके। सर, गणपति के मेल के प्रिंटआउट्स, ये पेपर्स जरा गौर से देखिए। आई थिंक ही वाज ऑलमोस्ट राइट लग रहा है सर। डिवाइस, ओह माय गॉड। हेलेन, गणपति को हम बचा लेंगे ऐसी मुझे उम्मीद लग रही है। पहली बार मॉल के अंदर हमने एक इंसान को ढूंढा, इस बार हम इसको ढूंढेंगे। सर ये रिसीवर का पिक्चर है।
बट हेलन ये तो बहुत ही छोटा है, कैसे दिखेगा? और भी प्रिंटआउट्स ऑर्गेनाइज किए हैं सर। राइट। हर एक दुकान में देकर ढूंढेंगे तो आई थिंक टाइम बहुत बचेगा। ओके आई डू वन थिंग, बीच पुलिस स्टेशन में मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, हम वहाँ पहुँचने से पहले सर्च टीम असेंबल हो जाएगी। ओके या ओके सर। सर कमिश्नर सर को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। या यू विल डू दैट। चलो हम चलते हैं। क्या बात है सर, आपका शॉपिंग करने का मूड हुआ तो पूरी सर्च टीम को लेकर आ गए हैं क्या? लगता है सर का ये फेवरेट मॉल है, इसलिए बार बार यहाँ आते हैं। सर 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 एक्सक्यूज मी सर सर वन क्वेश्चन जस्ट ओनली वन मिनट। हम कातिल के बहुत करीब पहुंच गए हैं। उनके हाथ में जो फंसा है वो हमारे डिपार्टमेंट का आदमी गणपति है और उनका दिया हुआ सारा इन्फॉर्मेशन सिंक हो रहा है। जिन दो लोगों का खून हुआ है उनमें एक चीज कॉमन है, वो दोनों ही सोशल नेटवर्किंग में बहुत एक्टिव हैं। उनके बहुत सारे फॉलोवर्स होने की वजह से वो लोग बहुत सारे मैटर्स पोस्ट करते रहते हैं, लेटेस्ट न्यूज देते हैं। सो उसकी वजह से जिसे भी चोट पहुंची है वही कातिल है। तो उस चोट खाए हुए इंसान को आपने ढूंढ लिया क्या सर? हेलन वन मिनट। यस सर। अभी आपके सारे सवालों का जवाब ये देंगी, इनसे सवाल कीजिए। वन मोर थिंग, ये जितना बोल रही हैं आप लोग उतना ही न्यूज छापिएगा, अपने मन से एक्स्ट्रा मसाला डालकर मत कहिएगा। डोंट गिव हिम अनदर चांस। सर 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 वन मिनट सर सुनिए सर सर एक्सक्यूज मी सर सुनिए तो मैम प्लीज हमें बताइए उस चोट खाए हुए इंसान को आपने ढूंढ लिया? दो तीन इंसिडेंट्स हमने मार्क कर लिए हैं लेकिन गणपति ने जो इनपुट दिया है उसके जरिए उस मुजरिम को पकड़ने के चांसेस बहुत ही ब्राइट लग रहे हैं। खूनी का मोटिव क्या है ये जानने से पहले खूनी कौन है उसको पकड़ना जरूरी है। पंजाबी किशन और नवीन इन दोनों के कत्ल में एक ही मोटिव है, ऐसा आपको लगता है? है। इन दोनों को आखिरी फोन कॉल एक ही नंबर से आया है। हेलो आई एम पंजाबी किशन हियर। सर हम नेट सर्विस नेटवर्क से बात कर रहे हैं। ये एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। ऐसी बात है सर, आपकी तरह ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप यूज करने वाला इंसान हमने आज तक नहीं देखा है, इसीलिए हम आपको अपने इस ग्रुप का हेड बनाना चाहते हैं। माय गॉड, बहुत खुशी हुई, वेरी गुड। आपके पास बहुत सारी वीडियो क्लिपिंग्स हैं, आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं। ओके ओके, इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है। ओके ओके, अभी मुझे क्या करना है? सर आज शाम को 6 बजे हमने कमेटी की मीटिंग रखी है। ओके, शाम को 5:30 बजे आपको लेने के लिए गाड़ी आ जाएगी सर। ठीक है, आप उसमें बैठ कर आ जाइएगा। ओके ओके। बोलिए सर। मिस्टर नवीन, मैं आपसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल चुका हूँ, मुझे हीरोइन के बारे में एक जरूरी एविडेंस मिला है। हीरोइन के घर में काम करने वाले एक आदमी के पास एक वीडियो है सर, वो वीडियो आपको मिल सकता है, एक बार सिर्फ आपको उस आदमी से मिलकर बात करनी होगी। इसमें आपका क्या फायदा है, आप कौन है? सर इसके पीछे मेरा ये फायदा है कि उस हीरोइन की वजह से एक प्रोड्यूसर को लॉस हुआ था और उस प्रोड्यूसर ने मुझे काम करने के लिए पैसे दिए हैं। ठीक है सर, आता हूँ। यही इस केस की प्रोग्रेस है। देखिए आप लोगों के जैसा ही एक मीडिया पर्सन मारा गया है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। अगर सब कुछ सही तरीके से हुआ तो 2 दिनों के अंदर हम उस खूनी को अरेस्ट कर लेंगे। प्लीज इसके बाद और कुछ मत पूछिए। मैडम आपको सर बुला रहे हैं। थैंक यू। हेलन, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर है, दिस विल हेल्प अस टू ट्रेस द डिवाइस। Everyone listen, ये एक रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर है, हम जो ढूंढ रहे हैं वो डिवाइस इस मॉल के अंदर कहाँ है ये इसके जरिए हमें पता चल जाएगा, तो उसी को ढूंढने हम जा रहे हैं। फॉलो मी। We are getting closer. Okay, everybody.
पति कुछ तो कहना चाहता है लेकिन क्या कहना चाहता है समझ में नहीं आ रहा है। सर हाल ही में जिन लोगों ने अमेरिका से कॉस्टली इक्विपमेंट खरीदी है ये उनकी लिस्ट है सर, कुरियर सर्विस ऑफिस ने हमें भेजी है सर। गुड गुड वर्क भास्करन। थैंक यू सर। जरा ये देखो इस प्रोडक्ट को किसी ने परचेस किया है क्या? ये देखिए सर, रंगास्वामी ने ऑर्डर किए हुए प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देखिए सर। इट इज मैचिंग करेक्ट हेलन, इसके जरिए हम उसे ढूंढ लेंगे। हाय बच्ची। मम्मी गणपति अंकल मेरे साथ टॉकिंग आइस खेल रहे हैं। मम्मी स्टेफी अंकल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं उजाला दिख रहा है और घर दिख रहा है, उजाला वाला घर, उजाला वाला घर कह रहे हैं मम्मी। उजाला घर, उजाला घर, उजाला घर, उजाला घर, उजाला यानी लाइट, घर मतलब हाउस, मतलब लाइट हाउस। ओह माय गॉड, लाइट हाउस स्ट्रीट। कैन आई स्पीक टू हर? या हेलो स्टेफी बेटा, मैं गणेश अंकल बात कर रहा हूँ। बेटा आंखों को जरा ठीक से देखो, गणपति अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? दो बार लेफ्ट में देखा और फिर एक बार राइट में देखा, शायद घर का रास्ता है वो। दो बार लेफ्ट दिखाया उसके बाद राइट दिखाया? हाँ अंकल। यानी लाइट हाउस स्ट्रीट में सेकंड लेफ्ट में राइट साइड में पहला घर। ओके थैंक यू स्टेफी, ब्रिलियंट। इस लिस्ट के हिसाब से ये एड्रेस तो मैच हो रहा है। एक्सीलेंट, वी हैव अ ब्रेक थ्रू। Let's go, Ellen. Okay, team. तो हम अब स्पॉट पे आ गए हैं। अभी हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले हैं। Follow my instructions. गणपति को हमें कैसे भी जिंदा बचाना है। Got it? हेलन तुम यहीं पर रहोगी, वासु भास्करन स्टे विथ हर, जब मैं बुलाऊंगा तभी ही अंदर आना। ओके कम ऑन गाइस।
अरुण ब्रेक दिस। शिवा वो सीढ़ी लेकर आओ। सॉरी गणपति, वी फेल्ड यू। हेलो सर, स्पॉट को तो हम लोगों ने ढूंढ लिया है लेकिन गणपति को बचा नहीं पाए सर। तीनों की भी हत्याएं यहीं पर हुई हैं सर। कल्प्रिट एस्केप हो गया है। यस सर, एम्बुलेंस को बोल दीजिए सर। थैंक यू सर। गणा, 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 गणा। हेलन, आप हेलन, तुम मुझे भूल गई क्या? आप कौन? मैं चंद्रिका, पायलट हर्षवर्धन की वाइफ। ओह यस यस, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। क्या हुआ, टायर पंचर हो गया? या टायर पंचर हो गया, आई विल मैनेज। नो नो नो, वैसे ही बहुत टायर लग रही हूँ। मेरा ड्राइवर स्टेफनी लेकर आ जाएगा। मेरा घर यही कॉर्नर पर है, तो जाकर क्यों ना हम थोड़ी सी कॉफी पी लें, हाँ? तब तक गाड़ी भी रेडी हो जाएगी, चलो। नहीं नहीं मैम, आप तकलीफ क्यों उठा रही हैं, मैं देख लूंगी। ओहो कम ऑन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्राइवर, टायर बदलकर कार को घर पे लाकर छोड़ देना, ओके? चलो ना। अरे चलो भी, इतना क्या सोचना, चलो। आओ, कार ठीक हो जाएगी, चलो थोड़ी सी कॉफी पीते हैं। रिलैक्स, आओ। कॉफी रेडी है। थैंक यू। Nice house. Thank you. Hmm.
मैं ही हूँ। चंद्रिका, तुमने ऐसा क्यों किया? इसकी वजह क्या है? अगर ये सवाल दुनिया वालों ने मुझसे पूछा होता तो जरूर बताती मैं, पर तुम्हें नहीं पूछना चाहिए था। तुम्हारे पति और मेरे पति एक्सीडेंट में मारे गए और मीडिया ने उन पर कितना कीचड़ उछाला, ये बात तुम भूल सकती हो, लेकिन मैं नहीं। उस बात को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, इसलिए मेरा बेटा मेरे पास नहीं। और आज तेरे उस दर्द को मैंने इसलिए फिर से जगाया। इसके बाद भी अगर मैं चुप बैठी रही तो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैदान में उतर आई। चंद्रिका, एयर क्रैश के बारे में सोशल मीडिया में बहुत गलत लिखा था, ये मैं भी जानती हूँ। बार बार टीवी पर ये दिखाकर कि ये पायलट की लापरवाही थी या ये पायलट लोग हमेशा नशे में रहते हैं, ये सारे सवाल पूछते समय बहुत दुख होता था। मैं सच कह रही हूँ, लेकिन केस को सोसाइटी वाले अपने नजरिए से देखते हैं और बात भी करेंगे, और इसीलिए उसे वही छोड़ने का मैंने फैसला किया था। तुम्हारी तरह मैंने कानून को हाथ में लेने की कोशिश नहीं की, और ये सही भी नहीं है। मैं भी ऐसी ही थी, लेकिन मेरे बेटे संतोष को IIT में पढ़ने की इच्छा थी, पर उससे बाप की बदनामी सही नहीं गई और पढ़ाई से उसका ध्यान हट गया। वो दिन रात बस वही सोचने लगा। जिंदगी में उसका कोई गोल नहीं रह गया था। संतोष, अपनी वाटर बॉटल भूल गया बेटा। माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ, क्यों, क्या हुआ? स्कूल में मेरे दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। पापा प्लेन उड़ाते वक्त नशे में थे, वो लोग ऐसा बोलते हैं माँ। और तो और टीचर्स भी मजाक उड़ा रहे हैं। अरे, इतनी मामूली सी बात को लेकर स्कूल नहीं जाएगा क्या? ये पकड़, देख, चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, किसी की बात मत सुनना, ठीक है? हाँ, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना, ठीक है? तेरा काम है कॉन्सेंट्रेट करके बड़ा आदमी बनना, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई कर और कुछ मत सोच। अब जा, जल्दी जा। उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे उसे चिढ़ाने लगे कि तू भी पायलट बनकर देश की पॉपुलेशन को कम करने वाला है क्या? उसका मजाक उड़ाते थे, और वो बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने खुदकुशी कर ली। मेरा संतोष चला गया, मेरे पास जो एक आखिरी आसरा था वो भी चला गया। वो तो बस अच्छे से पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन इस दुनिया वालों ने उसे गालियां दे देकर उसे मार डाला। पर हाँ, फेसबुक पर 4 लाइक्स और पाने के लिए मेरे बेटे की मौत को बार बार शेयर किया गया था। साइको लोग, इन लोगों को बस व्हाट्सएप के जरिए अपना नाम करना है, फेसबुक में शेयर करके नाम करना है। इस मीडिया के नशे ने लोगों से इंसानियत खत्म कर दी है। चंद्रिका, एक बात को समझ लो, सोशल मीडिया भी बढ़ रहा है। शुरुआत में उन लोगों ने ज्यादा एक्साइटमेंट में
कुछ गलतियां जरूर की होंगी। हेलेन, ये क्या कह रही हो तुम? अभी हाल ही में एक मासूम सी लड़की की फोटो को लेकर किसी ने माफ करके मीडिया में डाल दिया और उसके माता पिता ने इस बात पर यकीन कर लिया। बेचारी उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। पर मैं कमजोर नहीं हूं, नहीं हूं मैं कमजोर। हाँ, वो बदमाश पंजाबी केशन, मेरा बेटा जब ऊपर से गिरा था ना, तब वहां खड़े होकर वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा था। इसका बाप फ्लाइट से गिर के मरा था और ये बिल्डिंग से गिर के मर गया, ऐसे कमेंट्स डाल रहे थे लोग। और वो बदमाश नवीन था ना, नवीन, हाँ, उसने पूरे मीडिया में फैला दिया कि वो नशा करके गिरा या प्यार में हार कर गिरा। ऐसा प्रश्न चिन्ह डाला था उसने। मेरा बेटा, हाँ, फिर उन दोनों को मैंने उन्हीं की भाषा में सबक सिखाया। Goodbye. अब वो दोनों आराम से ऊपर बैठे होंगे। They passed away. इसके लिए क्या तुम उन लोगों का मर्डर कर दोगी? अरे, मैंने उनका मर्डर थोड़ी ना किया है। ये बात तुम समझ लो, मैंने बस इतना कहा था कि इस वेबसाइट को जितने लोग देखेंगे उतनी ही जल्दी ये दोनों अपनी जान से जाएंगे। जानवरों की तरह झुंड बनाकर सब के सब ऑनलाइन आ गए। जितने लोगों ने लॉगिन किया था ना, वो सारे के सारे कातिल हैं। एक मौत को कैसे मजाक बनाकर उन सब ने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बार बार उसको लाइव दिखाया। हेलेन, जरा सोचो, हर इंसान को सोचना चाहिए। दूसरे की मौत को, दूसरों के दर्द को अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी थ्रिल के लिए फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर शेयर करने से पहले सबको एक बार सोच लेना चाहिए, है ना, कि अगर हमारे साथ ये घटना हुई तो क्या होगा। सोचना चाहिए ना। हेलेन, यू नो हेलेन, जो बंदूक उठाता है उसकी मौत बंदूक से ही होती है। जो कीबोर्ड का माउस छुएगा उसकी मौत माउस से ही होगी। जिस चीज का तुम उपयोग करोगे उसी से तुम्हारी भी मौत होगी। देखो, तुमने जो किया है वो तुम्हारी नजर में सही होगा। सीरियल किलर की तरह तुमने मर्डर किए हैं। पुलिस ये सब देखकर चुप नहीं रहेगी। ए, ज्यादा बोलो मत। पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। अपनी दुश्मनी निकालने के लिए जब कोई किसी माँ की कोख में उसका बच्चा मारता है, तब तो तुम्हारी पुलिस चुप बैठी रहती है। तुम भी चुप रहो, वरना जो हाल गणपति का हुआ वो तुम्हारा भी होगा। ए, ये धमकी मुझे मत देना। तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ए, तू मुझे ढूंढ रही थी और तुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किस देश में हूँ, और आज यहाँ मेरे सामने बैठकर मुझे ही ये सारी बातें समझा रही हो। तुम्हें लगता है कि मैं सरेंडर करूंगी? ए, सुनो, तुम एक औरत हो, सिर्फ इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। मुझे लगा था अपने पति की मौत के बाद तो तुम समझ जाओगी, लेकिन तुम तो यहाँ पुलिस की तरह डायलॉग मार रही हो।
अब अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो ठीक नहीं होगा। रंगास्वामी, ए, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो। रंगास्वामी, मेरी कार के डैशबोर्ड पर कैमरा सेट कर दो, ठीक है? और मेरे सेलफोन से कनेक्ट कर दो। एक ही स्टाइल से मार मार के मैं बोर हो चुकी हूँ। हेलो, ये कौन है यही सोच रही हो? रंगास्वामी है। मेरे संतोष को बचपन से ही इसने अपनी गोद में पाला था, इसलिए मेरे प्लान को पूरा सपोर्ट ये कर रहा है। क्या है, अपनी आंखों से इसे मारने वाली हो क्या? ए, रेडी करो इसको। बड़ी आई पुलिस की धमकी देने वाली, बहुत बोलती है। ओह माय गॉड, हेलेन। हेलो दिनेश सर, हेलेन का लोकेशन ढूंढ लिया? हाँ, ट्रेस कर रहे हैं सर। अभी उसके फोन के जीपीएस गलीवर्धन एरिया में दिखा रहा है सर। ओके, एक्सेलेंट। सेंड मी हर जीपीएस लोकेशन ऑन व्हाट्सएप, फास्ट। श्योर सर, मैं तुरंत भेजता हूँ। Hi everyone, let me welcome all of you to the JKTIR National Racing Championship. Here we have the most exciting race of the day, Indian Touring Car Championship. Ready to go! होगी ये तो मैं नहीं कह सकती। अभी मैं जितनी ज्यादा स्पीड में चलाऊंगी, तुम उतनी ही ज्यादा स्पीड में मरोगी। व्हाट? समझी नहीं? गेम रूल्स वही है, नो चेंज। लॉग इन करने वाले जितने बढ़ेंगे, स्पीड उतनी ही बढ़ती जाएगी। सब क्या चल रहा है? तुम डरो मत, यहाँ तुम अकेले नहीं मरने वाली हो, मैं हूँ ना, साथ में मरूंगी तुम्हारे। ये! ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! वाओ! चंद्रिका, हाँ? मैं मरने से नहीं डर रही हूँ, लेकिन तुम गुनाह को महसूस किए बिना नहीं मर सकती। ए, अपना लेक्चर बंद करो, क्योंकि तुम सिर्फ कानून के नजरिए से मुझे देख रही हो, लेकिन मैं
पूरे समाज के नजरिए से देख रही हूँ।